हेलो फ्रेंड, हाय, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रेडमी वाई थ्री जो है आपके सामने दिख रहा है कि ये सेट होगा रेडमी वाई थ्री का, इसका टच वर्क नहीं कर रहा है। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसका टच जो है सेफली, बहुत ईजिली, बहुत आसान तरीके से कि कैसे चेंज किया जाएगा बहुत ही कम समय में। तो ये देख रहे हैं, ये टच काम नहीं कर रहा है, इसका टच इश्यू है। यानी इसको टच को जो है हम पहले इसको फोल्डर को, ये कॉम्बो को बाहर निकालेंगे इस सेपरेटर मशीन से जो है, फिर उसके बाद टच और डिस्प्ले को अलग करेंगे, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले इस सेट को डिसेंबलिंग कर देते हैं, इसको खोल लेते हैं। आपको मालूम है कि ये पीछे से हीट करके जो है ये खोला जाता है, तो इसको पहले मैं हीट के करके खोल लेता हूँ। तो इसको हीट चलिए करा जाए, अब मैं बता देता हूँ कैसे हीट। जैसे ये है, ये जो कि आप देख रहे हैं सेपरेटर मशीन मैंने ऑन कर रखा है ताकि जो है समय ना लगे। अब इस पर मैं इसको रख देता हूँ थोड़ा हीट होने के लिए। अब ये कुछ समय तक हीट होगा, फिर उसके बाद जो है हम इसको निकालेंगे। जो कि देख रहे हैं कि ये हीट हो चुका है। अब मैं पीछे का ये निकालता हूँ, थोड़ा समय लगेगा। और जो कि मैं ये देख रहा हूँ स्क्रू पूरे खोल चुका हूँ इसका। अब इसको हम इसको निकालते हैं और इसके फिंगरप्रिंट का जो सेंसर, इसको अलग कर देते हैं। मैंने ये नीचे का भी ये खोल रखा है। अब जो कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये डिस्प्ले का कनेक्शन है, यहाँ ये देख रहे हैं। तो इसको जो है हम अलग कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस पत्ते को। अब इसको जो है फिर से सेपरेटर मशीन पे इस फोल्डर को, कॉम्बो को हीट होने के लिए रख देते हैं, जो कि इसको मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है। अब ये हीट हो चुका है काफ़ी। इसको अब इसको हम जो है निकालते हैं। बहुत ईजिली थोड़ा थोड़ा अंदर डालें, नहीं तो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले पे ये प्रभाव दे सकता है। पुश करो। बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंदर डालना है। ये याद रहे कि फोल्डर जो है बढ़िया से हीट रहे, ताकि इसके ग्लू जो है छोड़ दिए रहें, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। ये देख चुके हैं फोल्डर जो है ये रिमूव हो चुका है बहुत ही सेफली। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि फोल्डर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तो इसको हम पत्ते को यहाँ लगाते हैं। इसको ऑन करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि फोल्डर सेफ है एकदम, पूरा ऑन करके देख लेते हैं कि कोई स्पॉट तो नहीं है इसमें। जो कि आप देख रहे हैं कि फोल्डर सेफ है। कोई स्पॉट नहीं है, सेफ है। तो चलिए अब जो है इसको टच को और एलसीडी को सेपरेटर मशीन से कट करके अलग करते हैं। तो जो कि मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ कि ये टच का जो है देख रहे हैं यहाँ कनेक्शन है, पहले इसको अलग कर लेते हैं हम बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरली इसको रिमूव करेंगे। यहाँ इसको चिपकाया गया है,
इसलिए इसको बहुत आराम से निकालें, नहीं तो LCD जो है ब्रेक कर सकती है। तो ये देख रहे हैं ये निकल चुका है, ये टच अलग हो चुका है और LCD अलग हो चुका है। अब इसको चलिए हम लोग सेपरेटर मशीन पे रखते हैं और इसको स्टील वायर से इसको अलग करते हैं। तो सेपरेटर मशीन ऑन है, इस पर रख देते हैं, इसको हीट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो कि LCD कॉम्बो अब हीट हो चुका है, अब इसको हम जो है वैक्यूम बटन जो है ऑन कर देते हैं। ये वैक्यूम बटन ऑन हो गया, अब इसको जो है हम स्टील वायर से अलग करेंगे टच और डिस्प्ले को, इसको अलग करेंगे। बहुत ही आराम से करना है, वायर को जो है टच जो है टच जो दिख रहा है उस पर ज्यादा उस पर प्रेस करें, जो कि आप देख रहे हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो नजदीक से दिखाइए थोड़ा ऊपर, ये देख रहे हैं यहाँ वायर टच पे ज़्यादा प्रेस करके करें, नहीं तो इसका प्लाइजर जो है वो कट सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा काटने के बाद दोस्तों वैक्यूम बंद करके इसको एक बार चेक कर लें कि कहीं पोलराइजर नहीं कट रहा है, इसको जरूर चेक कर लें। तो ऊपर से दिख रहा है कि पोलराइजर रुक जाता नहीं, देखिए पोलराइजर नहीं कट रहा है, ठीक है ना, इसे ये पता चलता है। नहीं तो ये क्या होगा कि आधा ब्लैक रहेगा जहां पोलराइजर कटेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैक्यूम को ऑन करते हैं, फिर से हम कट करते हैं। इसको वायर को टच पे तेज से प्रेस करके फिर करें ताकि पोलराइजर न कटे, और फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे खींचते जाएं पीछे की तरफ, ऊपर ना उठाएं। जो कि देख रहे हैं ये कट चुका, ये निकल चुका है, देख रहे हैं इस पे ग्लू आ गया है, ग्लू आ गया। अब इसको चलिए चेक करते हैं कि सेप बचा है या नहीं। ये आप टच देख रहे हैं, टच है उसका। अब इसको चेक करते हैं, बोर्ड में लगाते हैं। जो कि देख रहे हैं मेरे हिसाब से शायद सेफ है, बचा हुआ है, क्योंकि अब देखें कि कितने आराम से जो है फोल्डर बाहर हो गया है, और फोल्डर जो है फ्रेम से मैंने बाहर कर लिया, और सेपरेटर मशीन से जो है स्क्रीन डिस्प्ले और टच जो है आराम से बाहर आ गया है बहुत ही आराम से। तो इसी तरह दोस्तों आप जो है बहुत ही सेफली जो है बिना घबराए आप जो है बिना परेशान हुए जो है आप काम कर सकते हैं, जो कि देख रहे हैं सेफ बच गया है। तो अब चलिए फटाफट ग्लू को जो है हम लोग ग्लू रिमूवर से, ये जो देख रहे हैं आप जो है, मैं ज़्यादा महंगा ग्लू रिमूवर नहीं यूज करता हूँ, इस ग्लू रिमूवर से इसको हम लोग जो है क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टच जो है कैसे। या तो आप ऐसे भी ये कर सकते हैं, देख रहे हैं कि मुड़ रहा है नीचे, अब नीचे कर जब छोट रहे उनमें ऐसे ऐसे करके हम लोग उसको फोल्ड करके निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा नहीं करने के लिए मैं निकाल कर फिर आगे दिखाता हूँ आपको, जो कि आप देख रहे हैं कि LCD जो है बहुत बढ़िया से क्लीन हो चुका है, एकदम फ्रेश हो चुका है इसी क्लीनर की वजह से।
ये जो क्लीनर है ग्लू, अब इसको चेक करते हैं एक बार फिर कि कुछ डैमेज नहीं है। जो कि देख रहे हैं ये क्लीन हो चुका है और सेफ भी है, कोई भी स्पॉट नहीं है। तो चलिए अब जो है इसमें हम टच लगाते हैं, सेट को मैं करता हूँ स्विच ऑफ। चलो तो चलिए पहले टच को जो है लगा कर चेक कर लेते हैं कि टच जो है हमारे पास वो सही है या नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये टच है नया MIY3 का, इसको लगाते हैं इसमें ऐसे लगा कर। पहले ये जो है नीचे का ये जो पॉलिथीन है इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद साइड का ये जो लेवल है इसको काट दें, नहीं तो ये जो है सही से एडजस्ट नहीं होगा। अब इसको क्या करते हैं, टच को इस पर रख, डिस्प्ले को रख के टच को जो है इस पर लगा लेते हैं। इसको थोड़ा प्रेस कर दें ताकि डिस्प्ले जो है फ्रेम में सही से बैठ जाए। इसको लगा कर जैक को बंद कर देते हैं और ये जो है आपका लग चुका है। अब इसको जो है बोर्ड में लगाते हैं। सेट को थोड़ा ऑन होने देते हैं, सेट ऑन हो चुका है। देख रहे हैं तो भी प्रॉपर ये टच जो है वर्क कर रहा है। टच को ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ऐसे कोई भी आइकन लॉन्ग प्रेस करके एप्लीकेशन ऊपर नीचे कर लें, इसे ये पता चलेगा कि टच जो है प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए अब टच को जो है ग्लू से जो है इसको चिपकाते हैं, यानी फोल्डर को। तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं सेट को। अब क्या करते हैं, अब ग्लू से लगाते हैं तो इसको जो है फोल्डर, टच और डिस्प्ले को बाहर निकाल लेते हैं फ्रेम से। ये मैंने निकाल लिया। अब ग्लू को क्या करेंगे कि इसके साइड साइड में लगा देंगे थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में कि ताकि साइड से लाइट ना दिखे। यहाँ सेंसर को बचा के लगाएंगे थोड़ा, क्योंकि सेंसर ना ढके। अब थोड़ा 2-3 मिनट इसको सूखने देते हैं। अब ये सूख चुका है,
अब चलिए हम जो है इसको लगाते हैं बहुत ही आराम से। चेक करते हैं इसको कि सही से लगा है या कोई दिक्कत नहीं है। सीट को ऑन करते हैं। जो कि टच लग चुका है और देख लिया जाए काम करता है या नहीं। जो कि देखे काम कर रहा है बहुत ही बढ़िया से। और ये देख लिए साइड में एकदम फिटिंग जो है बैठा हुआ है। अब इसको हम जो है रबड़ से लगा देंगे ताकि जो है रात भर मतलब बढ़िया से पकड़ ले, कहीं गैपिंग ना आए। रबड़ जो है इसको लगा देंगे। रबड़ आप जो है अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जहाँ लगाना है 1, 2, 3, 2 या 3 या 5 जितना ज़रूरत पड़े। अब देख ये फिटिंग जो है देख रहे हैं आप कि बहुत ही शानदार बैठा हुआ है ये फोल्डर। अब उसके बाद सूख जाने के बाद ये गम जो है आप साफ़ कर दें। तो इस तरह दोस्तों आप MI Y3 का जो है टच बहुत ही नॉर्मली बहुत ही अच्छे से चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।